आज हम कक्षा 12 फिजिक्स में कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न एक से, इसके अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो जैसे कि प्रश्न बहुत सिंपल है, अब इसका हल आप देख लीजिए कि हमें क्या है यहाँ पर जो दिया है। हमें पता है कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 हीलियम के बराबर होता है, 2He4, है ना। तो 2 हीलियम पार्टिकल जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो वो हो गया आपका 2 प्रोटॉन के बराबर, है ना। और ये हम कह सकते हैं कि जब ये 2 प्रोटॉन के बराबर ये आवेश है तो इसका वैल्यू हम लिख लेंगे, तो वो हमारे पास बराबर हो गया कितना, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर धनावेश। बराबर हमारा हो गया 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम हो गया। तो सिंपल है। इसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं। इस प्रश्न के अनुसार एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितना या कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो जैसा कि आपको दिया है उसी हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो Q बराबर −1 कूलम, क्योंकि एक ऋण आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्यू बराबर एनई से हम ज्ञात कर लेंगे, प्लस माइनस एनई से। तो यहाँ पर एन बराबर हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो गया क्यू बटे ई। और क्यू हमें दिया हुआ है −1 कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता होता है वो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो इन वैल्यूज को यूज कर लेंगे, ये हो गया −1 कूलाम डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये पावर ऊपर चली जाएगी। तो ये हो गया 1/1.6 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.625 × 10⁻¹⁹ ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया 6.25 × 10⁻¹⁸। तो इतना जो है वहाँ पर चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻¹⁸। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अधिकतम होंगे,
6.25 इंटरनल फॉर 18। तो अगला क्वेश्चन भी हम ऐसे ले लेते हैं, पहले हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। 7 नाइट्रोजन यानी 7N14 नाभिक में कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, यानी एक नाइट्रोजन के नाभिक पर आपको आवेशों की गणना करनी है। तो आपको पता है कि एक नाइट्रोजन जो है वो 7N14 इसका नोटेशन है, तो हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं कि उसके नाभिक में जो है कितने आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी, तो Q बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस Ne के फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि नाभिक में आवेश बराबर 7P। तो ये 7 इंटू एक P पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻¹⁹, इसे सॉल्व कर देंगे तो 1.6 इंटू 7 हो जाएगा आपका 16 × 7 = 112 होता है, तो 11.2 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम। इसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं। यदि शुद्ध जल का पराबैधुतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो आपको पता है परावैद्युतांक और वैद्युतशीलता में जो संबंध है वो क्या होता है, तो इसका हल निकाल लेते हैं। हमें दिया है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो ये K यानी 81 ये स्टैंडर्ड नोटेशन है K, और निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? निर्वात में विद्युतशीलता। तो इन वैल्यूज को हम यूज कर लेंगे, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमें पता है, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻²-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू को यूज करते हुए हम ज्ञात कर सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 81 इंटू 8.85 इंटू 10⁻²-12। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपली सॉल्व करके 716.85 इंटू 10⁻²-12, या हम इसको लिख सकते हैं 7.1685 इंटू 10⁻²-10। तो ये हो गया 7.17 इंटू 10⁻²-10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आइए इसी तरह से हम कुछ और प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि एक और प्रश्न ले लें। हमें इस प्रश्न में है कि दो प्रोटॉन के बीच
लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जब उनके बीच की दूरी 4×10^-15 मीटर है। तो सिंपल यहाँ पर कूलम्स लॉ यूज़ कर लेंगे, इसका जो हल है वो सबसे पहले हम दो प्रोटॉन को मान लेते हैं, उनके बीच की दूरी r मान लेते हैं, और वह दूरी जो है हमारे पास Q1 पता है, क्योंकि दो प्रोटॉन है, तो 1.6×10^-19 दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि तो सेम चार्ज होगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा हमें 4×10^-15 मीटर। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F=1/4πε0 Q1 Q2/r2। 1/4πε0 का मान होता है 9×10^9। Q1 Q2 के हमें मान पता है, r का मान हमें पता है, तो हम इन मान को इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये हो गया आपका 1.6×10^-19, क्योंकि दो बार है तो ये डबल हो जाएगा 1.6×10^-19। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो गया 9×1.6×1.6, और ये हो गया हमारे पास ÷16×, ये पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 10^9−38, और इसको कर लेंगे तो 30 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये +30। तो ये सॉल्व होके हमारे पास आ गया 1.44, और ये पावर सॉल्व हो के आ गई हमारे पास 10^1, तो ये हो गया 14.4 न्यूटन। तो ये हो गया हमारे पास प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं तो उनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रश्न में जो हमें दिया है वो है कि एक यूरेनियम 92-238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 10^-15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत है या कार्यरत होगा, ये बल का मान निकालना। तो इसको भी हम सिंपली कूलम्स लॉ से यूज़ कर लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है यूरेनियम 238 हमें दिया हुआ है, तो ये यूरेनियम जब विघटित होगा तो उत्सर्जन के जो पश्चात है या उत्सर्जित होने पर यहाँ पर क्या होगा, अल्फा कण
उत्सर्जित हुआ, तो यानी 2 हीलियम 2 He4 के बराबर होगा, ठीक है। और साथ में वहाँ पर जो है केंद्र से जो हमें दूरी दे रखी है तो वो भी दे रखी है, तो हमें पता चल गया कि जब वो 2 Hg4 निकल गया तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, 90 234 के ये विघटित परमाणु हैं, ठीक है। तो विघटन के पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, तो यानी एक हो गया हीलियम पार्टिकल और दूसरा आपका एक एक्स पार्टिकल जो भी था, उनके बीच की दूरी अब हमें दे रखी थी, तो हम उस दूरी को मानते हुए दो आवेशों को मान लेंगे, तो उनके बीच कूलम्स लग गया 1/4 πε₀ Q1 Q2 या Q Q0 r² जो भी आपको लेना है, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। तो यहाँ पर 1/4 πε₀ की वैल्यू रख देंगे, 9 × 10⁻¹ Q1 यानी आपका एक जो एक्स पार्टिकल है, दूसरा आपका हीलियम पार्टिकल है, और उनके बीच की दूरी हो गई 9 × 10⁻¹⁵ √¹² और Q1 आपका, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर आपका एक, तो वो 90 Q के बराबर होगा क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक आपको 90 है, और Q2 आपका 2 होगा क्योंकि वो 2 हीलियम पार्टिकल है, तो ये हो गया 90 × 1.6 × 10⁻¹⁹ क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, और दूसरा हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹। तो Q बराबर एन ई होता है ना, तो एन यहाँ पे 90 और 2 दिए हुए हैं, तो इसलिए अब वैल्यू को रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया 9 × 10⁻¹⁹ और ये हो गया 1.6 × 2 × 1.6 × 10⁻¹⁸, दोनों पावर जुड़ गई, और ये हो गया 9 × 10⁻¹⁹। इसे सॉल्व कर लेंगे, 9 से 9 कट गया, इस 9 से 9 कट गया, ये 10 हो गया, पावर को ऊपर ले जा लेंगे तो और सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 1.6 × 1.6 और इंटू साथ में 2 भी है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे, ये हो गया हमारे पास पावर ऊपर चली गई, तो ये हो गया 9 − 38 + 30, ठीक है। तो हम इन पावर को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 5.12 × 10⁻¹⁹, इसको सॉल्व करेंगे 30 और 38, तो -8 और ये 1, तो ये 40 − 38, तो ये हो गया 5.12 × 10⁻¹⁹ यानी +2, तो ये हो गया हमारे पास 512 न्यूटन का बल, तो यहाँ पर ये फोर्स निकल गया। इसी तरह से आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी पता है 0.1 मीटर, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यदि दोनों आवेश का योग 9 μC हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए।
यानी दोनों आवेशों को अलग अलग उनके क्या मान होंगे ज्ञात करने हैं। तो देख लेते हैं, अपने पास दो आवेश हैं, दोनों धनावेश हैं, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल है, उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है और उनके बीच का जो बल है वो भी दिया हुआ है 18 न्यूटन, और ये प्रतिकर्षण बल होगा। तो Q1 प्लस Q2 भी हमें दे रखा है, वो है 9 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आपका जो वैल्यू दे रखी है वो रखिए, ये हो गया 18 न्यूटन, ये आपका 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹, और Q1 Q2 एज इट इज, और उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी Q1 Q2 बराबर 18 × 0.1, और ये हमारा ये हो गया आपका 9 × 10⁹, इसे सॉल्व करेंगे तो 9 × 18, तो ये हो गया आपका 2 × पावर को ऊपर ले जा लेंगे तो ये हो गया 10⁻⁻¹। ये Q1 Q2 का प्रोडक्ट है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो है वो Q1 Q2 एक इक्वेशन हो गई और एक Q1 प्लस Q2 दूसरी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास Q1 Q2 का मान है, तो चूंकि हमें 1 माइक्रोकूलम पता है वो 10⁻⁶ होता है, तो वो माइक्रोकूलम में इसको लिख देंगे तो 1 कूलम आपका हो जाएगा 10 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हम माइक्रोकूलम में लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास कितना 2 × 10⁻⁻¹, और ये हो गया आपका 10⁻½ माइक्रोकूलम स्क्वायर, तो ये हो गया 20 माइक्रोकूलम स्क्वायर। तो ये हमारा Q1 Q2 हो गया। तो हमारे पास ये दोनों मान निकल गए, तो हम इसको लिख सकते हैं चूँकि Q1 प्लस Q2 हमें पता है वो है 9 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर हमारा Q1 Q2 है 20 माइक्रोकूलम का स्क्वायर। तो यहाँ से हम Q1 Q2 या Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर देखें तो ये हो गया Q1 प्लस Q2, और ये हो गया हमारे पास −4Q1Q2। जस्ट स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख देंगे तो ये हो गया 9² − 4 × 20, तो ये हो गया हमारे पास 81 − 80, तो ये हो गया = 1। तो यहाँ पर ये हो गया Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो उसका रूट ले, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइक्रो कूलम। Q2 हो गया 1 माइक्रो कूलम। तो Q1 प्लस Q2 हमारे पास कितना हो जाएगा वो हमें पता है 9 कूलम। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 है। तो इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन मेथड को ऐड करने पर ये हो जाएगा 2Q1 इज इक्वल टू 9 + 1, ये हो गया 10। तो Q1 इज इक्वल टू हो गया 10/2 यानी 5 माइक्रो कूलम। तो जब आपको Q1 पता चल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को रख देंगे तो ये हो गया 5 − Q2 इज इक्वल टू 1। तो Q2 आपका हो गया किसके बराबर, यानी 5 − 1, तो ये हो गया 4 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन और लेते हैं, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिया है उसे देख लेते हैं क्या है। दो ऋण आवेशों या दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच दूरी
1 मिलीमीटर है, दो ऋणावेशित कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित, वे एक दूसरे से 4×10⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक कण का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हल कर लेते हैं। साथ में हमें ये भी दे रखा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3×10⁻¹⁹ कूलाम आवेश है। तो जैसा कि हमें दिया है उसको उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। दो ऋण आवेश हैं और प्रत्येक पे 5/3×10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश है और उनके बीच की दूरी 1 mm है। तो 1 mm का मतलब है 10⁻³ मीटर। तो प्रति कर्षण बल जो होगा उसे हम F कह देंगे। तो प्रतिकर्षण बल F बराबर 4×10⁵ न्यूटन दिया हुआ है। Q1 बराबर Q2, दोनों आवेश ऋणावेश हैं लेकिन एक आवेश दूसरे का 4 गुना है। तो Q2 = 4 of Q1। तो ये 4Q हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो N1 और N2 के आपको मान निकालने हैं। तो अब तो काफ़ी स्पष्ट यहाँ पर दिखता है कि जो F है वो हमारे पास क्या होगा, 1/4πε₀ और Q1 Q2/r². तो इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। तो F4×10⁵ और आपका Q1 Q2 ये रख लेंगे। तो ये हो गया 9×10⁹, ये तो कांस्टेंट का मान है। Q1 हमारे पास Q×4×Q, ये आपका Q2 है। तो /r², ये हमें पता है 10⁻³ इसका स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 4×10⁻⁵×10⁻⁶ / ये हो गया 9×10⁹ और ये हो गया आपका 4Q². तो ये Q² ऊपर चला गया, 4 नीचे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, सॉल्व करके ये आ गया Q² = को भी सॉल्व कर लेंगे, 10⁻¹⁹ / 9×10⁹। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 10⁻²⁹ / 9। तो ये Q² हो गया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो Q = हो गया √10⁻²Q2 = 4Q। तो ये हो गया 4×10⁻¹⁹ / 3। तो Q1 = N1e। तो ये हमारे पास हो गया N1 = Q1/e। तो ये
आप यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हो गया क्यू वन की वैल्यू हो गई, यानी 10^-10/3, और ई हमें पता है ये होता है 1.6 × 10^-19, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 5/3 × 10^-19, तो ये आपका कट गया। तो ये हो गया सॉल्व करके 10^9 और डिवाइडेड बाई 5, हम तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 × 10^9, हाँ, या इसको लिख सकते हैं 0.2 × 10^9। तो ये हमारे पास N1 हो गए, यानी 2 × 10^8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम दूसरा N2 भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा Q2/E। तो यहाँ पर हमें Q2 भी पता है, तो जैसे हमने Q1 वैसे Q2, क्योंकि दोनों आवेश हैं तो सेम ही। तो ये हो गया 4/3 × 10^-10, और ये हमारे पास E का जो मान होता है वो 5/3 यहाँ पे गिवन है × 10^-19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4/5 × 10^9। तो ये हमारे पास हो गया 0.8 × 10^9 या 8 × 10^8 N2, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई।